दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप पे चलने वाले एक नए स्कैम की। जी हाँ, अगर आप इंटरनेट की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको ऐसे काफ़ी स्कैम्स देखने को मिलेंगे, और अगर आप ऐसे स्कैम से बचना चाहते हैं तो अभी वीडियो को शेयर करें और लाइक बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसी काफ़ी रिपोर्ट्स मीडिया में निकल के आ रही हैं जिसके काफ़ी लोग शिकार हो रहे हैं, और मार्केट में अलग अलग तरह के फ्रॉडस्टर्स हैं, स्कैमर्स हैं, जो ये चाहते हैं कि वो कैसे भी किसी भी तरह से आपकी जेब ढीली करें और आपकी जेब से पैसा निकल के उनके पास आ जाए और साथ ही में इनका कुछ फ़ायदा हो जाए। और अभी के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया जा रहा है क्योंकि कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हैं और इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। ये हम नहीं, ये पूरी दुनिया, एक्सपर्ट्स, न्यूज़ चैनल्स सभी कोई बोल रहे हैं। अब जो दोस्तों व्हाट्सएप पे नया स्कैम आया है, इसमें हो क्या रहा है वो हम बताते हैं और ये काम कैसे करता है वो जानते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, आपके नंबर पे किसी भी रैंडम नंबर से वीडियो कॉल आएगा व्हाट्सएप पे। आप सोचेंगे ये कोई बड़ी बात तो है नहीं कि वीडियो कॉल आना, तो आप उसे पिक कर लेंगे, लेकिन वीडियो कॉल में क्या हो रहा है वही फ्रॉड है। उसमें दोस्तों ऐसा हो रहा है कि जब आप वीडियो कॉल उठाएंगे तो ऑफकोर्स आपका फेस आएगा उसमें, और आपको 2-3 सेकंड्स के लिए न्यूड फ़ोटोज़ या वीडियोस दिखाई जाएंगी, और उसके साथ आपका फ़ोटो यानी जो आपकी जो फेस आ रहा है वो कैप्चर हो जाता है, और हो सकता है कि फिर वो कॉल कट जाएगा और उसके बाद आप भी इस बात को भूल जाएंगे। लेकिन जो फ्रॉडस्टर्स हैं, स्कैमर्स हैं, वो इस बात को नहीं भूलते। पर दोस्तों इंस्टेंटली आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आप ही के अपने चेहरे के साथ, क्योंकि आपने उस कॉल को पिक करा था। बेशक आपने कुछ सेकंड्स के लिए करा हो, लेकिन वो चीज़ वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं, और फिर आपको किया जाता है ब्लैकमेल कि ये जो चीज़ें हैं ये ऑनलाइन चली जाएगी, आपके फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दी जाएंगी या वीडियोस को वायरल कर दिया जाएगा, और ऐसे में आपसे मांगे जाते हैं पैसे और मजबूरन आप उन्हें देने पड़ते हैं और आप उन पैसों को देते हैं। और ये सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे ही चल रहा है, तो इसका ज़्यादा ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है तो उसे ना उठाएं, क्योंकि काफ़ी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। और दोस्तों ये व्हाट्सएप तक ही लिमिटेड नहीं है, ये फेसबुक पे भी है, क्योंकि आपको इंटरनेट की दुनिया से जुड़ने का बहुत ज़्यादा वो है और फ्रेंड्स बनाने का। फेसबुक पे जिसकी भी रिक्वेस्ट आती है आप एक्सेप्ट करते हैं और भेज देते हैं, और इसी के साथ ये आपके साथ मैसेंजर पे भी हो सकता है कि कोई भी आपको ऐसी कॉल कर सकता है न्यूड फोटोज या कुछ भी दिखा के। ऐसा फ्रॉड आपके साथ मैसेंजर पर भी हो सकता है, और ऐसे ही बहुत सारे लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं, और इसमें काफ़ी जो लोग होते हैं वो पुलिस वगैरह को कंप्लेन नहीं करने जाते और ना ही फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करते हैं कि उनकी इमेज ख़राब हो जाएगी, और इसके कारण कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, और अगर वो ब्लैकमेलर की बात मान गए तो उनका पैसा चले जाता है। और दोस्तों ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो आपसे यही कहते हैं कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों से सतर्क रहें, क्योंकि आपके साथ ये फेसबुक पे भी हो सकता है, तो इसलिए इंटरनेट की दुनिया से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज से आप हमारी बातों को फॉलो करेंगे या नहीं।